अजमेर की अन्ना सागर झील देखने के बाद हम बढ़ चले हैं पुष्कर वैली होते हुए पुष्कर सरोवर और पुष्कर के विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर की तरफ। पुष्कर वैली होते हुए जिसे नौसर घाटी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ नौसर माता का मंदिर है जिसकी स्पेशलिटी मैं आपको अलग वीडियो में बताऊँगा। इस मंदिर से थोड़ा ही आगे आपको मिलेगा महाराणा प्रताप स्मारक, बहुत ही अच्छी जगह है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसके लिए आप हमारा 360 डिग्री वीडियो देख सकते हैं। यहाँ कुछ एक फ़ोटोग्राफ्स के लिए हम रुके और वीडियोग्राफी की वो आप अलग से देखें। फ़ोटोज़ करने के बाद हम चल पड़े पुष्कर की तरफ। जैसे ही हम पुष्कर में एंट्री लेते हैं, हम रुके उस जगह पर जहाँ से पुष्कर सरोवर में पानी जाता है, ये बांध कह लीजिए या कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है जहाँ से पुष्कर लेक या पुष्कर सरोवर में पानी जाता है। गुरुद्वारा होते हुए हम पहुँचे ब्रह्मा मंदिर। आपको बता दें ब्रह्मा मंदिर में कैमराज हमारे जो थे जमा करा लिए गए, उसका आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। ब्रह्मा मंदिर देखने के बाद हम पहुँचे हैं पुष्कर सरोवर या पुष्कर लेक, बहुत ही खूबसूरत लेक है और यहाँ बहुत सारे घाट बने हुए हैं और उसमें से ये एक बहुत ही खास घाट है जिसका नाम है ब्रह्मा घाट, और ब्रह्मा जी का एक छोटा मंदिर भी यहाँ बनाया गया है। यहाँ कई सारे घाट हैं जिनमें से ये है ब्रह्मा घाट। पुष्कर सरोवर के चारों तरफ मुझे शायद ये सुनने को मिला था कि यहाँ करीब 700 से 900 घाट, इसी तरह के कोई काउंट था, इतने सारे घाट हैं यहाँ। बहुत ही पवित्र सरोवर माना जाता है हिंदू धर्म में ये। ये दूसरे घाट, यहाँ से हमें पुष्कर का गुरुद्वारा भी दिखाई पड़ता है और सिख धर्म के लोगों के लिए, न सिर्फ सिख धर्म के लोगों के लिए बल्कि हर धर्म के लोगों के लिए ये गुरुद्वारा खास महत्व रखता है। ये वो स्ट्रक्चर जो हमने दिखाई थी जहाँ से पुष्कर सरोवर में पानी आता है, पहाड़ों से जो सीजनल वाटर है वो यहाँ से सप्लाई किया जाता है। ये कुछ दूसरे घाट हैं, ये भी काफ़ी बड़ा घाट है, अगर आप वीडियो को जूम करके देखें तो आप इसका नाम पढ़ सकते हैं। समय कम होने की वजह से और कैमरा रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं जान पाया और ना ही मैं इस वीडियो में बता पाया। सरोवर देखने के बाद हम चल पड़े वापस अजमेर। जाते समय आपको चढ़ाई कुछ ज़्यादा मिलेगी। ये थी वो जगह जो मैंने आपको रिकमेंड की थी, आपको ज़रूर देखनी चाहिए, महाराणा प्रताप स्मारक। शाम को यहाँ लेज़र लाइट शो किया जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। अभी हम जा रहे हैं, शाम को हम लेज़र लाइट शो देखने ज़रूर आएंगे और उसका अलग से वीडियो आप देखेंगे। नौसर माता के मंदिर की आपको फिर से झलक मिलेगी जहाँ माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रों में यहाँ खचाखच भीड़ रहती है। न केवल अजमेर और राजस्थान बल्कि पूरे भारत के इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।